पिछली वीडियो में हमने एक स्टोरी का आधा भाग पढ़ लिया था, जिसका नाम था द थ्री सरप्राइजेज। स्टोरी के पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लिटिल बॉय जो है अपनी माँ के लिए दो सरप्राइजेज ढूंढ लेता है, जिसमें से पहला सरप्राइज था रेड टिप डिफीडर, दूसरा था थ्रस पक्षी के आधे टूटे अंडे। अब हम लोग कहानी का बाकी बचा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार लिटिल बॉय जो है अपना तीसरा और अंतिम सरप्राइज पाता है। तो चलिए अब हम आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देन ही वेंट ऑन थ्रू द वुड्स टू वेयर द ट्रीज एंडेड एंड द होल वर्ल्ड सीम्ड टू लाई एट हिज फीट। सेकेंड सरप्राइज मिलने के बाद लिटिल बॉय जंगलों से आगे जाता है, जहाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके पैरों के पास पड़े हों। व्हाइट क्लाउड्स लाइक वांडरिंग शिप वेयर फीलिंग द डिस्टेंट स्काई एंड ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द सन। उजले बादल भटकती भेड़ों की तरह आकाश में दूरियों को कम कर रही थी, मतलब कि जो बादल थे वह इधर से उधर घूम रहे थे और सन से भी पार कर रहे थे। ओ क्लाउड्स एंड सन, सेड द लिटिल बॉय, छोटे बच्चे ने कहा, हे बादल और सूरज, आई विश आई न्यू व्हाट यू वेयर सेइंग, काश मैं जान पाता कि तुम क्या कह रहे हो। परहैप्स यू वुड टेल मी वेयर आई कुड फाइंड अ सरप्राइज टू पुट इट इन माई बास्केट एंड टेक होम टू माई मदर। शायद तुम मुझे बता सकते हो कि कहाँ मैं टोकरी में रखने के लिए एक उपहार पा सकता हूँ, सरप्राइज पा सकता हूँ और अपनी माँ के लिए घर ले जा सकता हूँ। द क्लाउड्स मूव स्लोली पास्ट एज इफ दे वॉन्टेड टू राइट अ मैसेज इन द स्काई एंड लिटिल बॉय सेट डाउन ऑन द सॉफ्ट सैंडी ग्राउंड अंडर द लास्ट टॉल पाइन ट्री। बादल आकाश में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मूव कर रहे थे, मानो कि वह कुछ संदेश लिखना चाहता हो। लिटिल बॉय जमीन पर एक अंतिम लंबे पाइन ट्री के नीचे सैंडी ग्राउंड पर बैठ जाता है। सैंडी मिस बालुई जमीन। ऑल एट वंस अ लिटिल शाफ्ट ऑफ सनलाइट सील्ड बिटवीन द डार्क ब्रांचेज ऑफ द पाइन ट्री टर्निंग द सैंड टू गोल्ड। अचानक एक किरण घने पाइन ट्री के शाखाओं तथा पत्तियों से होकर जमीन पर आती है, जहाँ पर वो बैठा हुआ था। यहाँ गोल्ड का मतलब है सुनहरा रंग। जब बालू पर वह किरण पड़ती है तो वह सुनहरे रंग में बदल जाती है। द लिटिल बॉय बरीड हिज हैंड इन द वार्म अम्बर डस्ट व्हेन सडनली ही फेल्ट समथिंग राउंड एंड हार्ड। जब लिटिल बॉय को बालू में कुछ कठोर और गोल महसूस होता है तो वह अपने हाथ को उस पीले गर्म धूल में अंदर डालता है। देयर बिटवीन हिज फिंगर्स वाज अ पीबल, उसके अंगुलियों के बीच एक पत्थर था छोटा सा। इट वॉज क्लियर लाइक ग्लास एंड एज अ स्मूथ एज इफ ऑल द रिवर्स इन द वर्ल्ड हैड रन ओवर इट फॉर ए मिलियन ऑफ ईयर्स। इट वॉज क्लियर लाइक ग्लास एंड एज अ स्मूथ एज इफ ऑल द रिवर्स इन द वर्ल्ड हैड रन ओवर इट फॉर ए मिलियन ईयर्स। वह जो पत्थर था वह शीशा की तरह चमक रहा था, बिल्कुल साफ था और इतना चिकना था मानो संसार की सारी नदियाँ उसके ऊपर से लाखों वर्षों से बह रही हो। इट शोन लाइक ए स्टार व्हेन ही हेल्ड इट अप टू द लाइट, जब वह उसे प्रकाश में सूरज की ओर ऊपर उठाता तो वह तारे की तरह चमकता था। हेयर वॉज हिज लास्ट सरप्राइज, यह उसका अंतिम सरप्राइज था। ही टुक हिज हैंडकरचीफ आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड रैप्ड द लवली क्रिस्टल पीबल इन इट एंड पुट इट इन हिज बास्केट। वह अपने पॉकेट से रुमाल बाहर निकाला और उस सुंदर पत्थर को उस रुमाल में लपेटकर बास्केट में रख लिया। देन ही लुक्ड अप एट द इवनिंग स्काई एंड कॉल्ड आउट, उसके बाद वह आकाश की ओर ऊपर देखकर क्लाउड्स और सन को पुकारता है और कहता है, थैंक यू क्लाउड्स एंड सन फॉर माई थर्ड सरप्राइज, धन्यवाद बादल और सूरज मेरे तीसरे सरप्राइज के लिए। इट वॉज टाइम टू गो होम, घर वापस जाने का समय था। ही हरी डाउन थ्रू द वुड्स एंड अक्रॉस द मीडो, वह तेजी से जंगलों और घास के मैदानों से होकर
अपने घर की ओर चल दिया। एंड द ब्लोइंग विंड्स द सिंगिंग बर्ड्स एंड द मूविंग सन ब्राइट क्लाउड्स वेयर विथ हिम ऑल द वे एज ही वेंट। बहती हवा, गाती पक्षियाँ और बहती बादल सभी उसके साथ, उसके रास्ते साथ थे। आई हैव माई थ्री सरप्राइजेज, ही कॉल्ड आउट टू हिज मदर एज सी ओपन द डोर। जैसे ही उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, उसने कहा मेरे पास तीन सरप्राइजेज हैं। सरप्राइज मीन्स यहाँ उपहार है जो उसकी माँ ने उसे लाने को कहा था। ओह व्हाट लवली सरप्राइजेज, सेड हिज मदर एज सी टुक आउट ऑफ द बास्केट द ब्लैक रेड टिप्ड फीदर द टू पेल ब्लू हाफ्स ऑफ थ्रस एग एंड द स्मूथ हार्ट क्रिस्टल पीबल। जैसे ही उसकी माँ ने टोकरी से ब्लैक रेड टिप्ड फीदर, लाल टिप वाला पंख, दो थ्रस पक्षी के टूटे अंडे और उस चिकने पीबल पत्थर को निकालती है टोकरी से, तो उसकी माँ कहती है कितना सुंदर उपहार है। नाउ आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू, अब मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एंड देयर एट हिज प्लेस ऑन द टेबल वॉज ए लार्ज ब्राउन एग रेडी टू बीटन एंड ए बार ऑफ क्रीम जेली चॉकलेट। और वह जो सरप्राइज था वो क्या था, एक टेबल पर रखा एक बड़ा सा ब्राउन अंडा था जो खाने के लिए बिल्कुल तैयार था, और साथ में क्रीम जेली चॉकलेट भी था। द लिटिल बॉय ब्रोक ऑफ द टॉप ऑफ द एग एंड पुट द स्पून इन टू द योल्क। लिटिल बॉय ने अंडे के ऊपरी भाग को तोड़ा और उसके अंदर चम्मच को डाला। हिज मदर लाफ्ड एज ही स्पून इट ऑन टू द ब्रेड। उसकी माँ हंसी जब उसने चम्मच को ब्रेड में डाला। मीन्स वह अंडे के शेप का, अंडे के आकार का क्या था, एक ब्रेड केक था। वी विल कीप योर सरप्राइजेज हेयर, हम लोग तुम्हारे इस उपहार को यहाँ रखेंगे, ऑन माई स्पेशल टेबल। सी सेड एंड लेड देम आउट केयरफुली, माँ ने ऐसा कहकर उस टोकरी से सारे सरप्राइजेज को बाहर निकाला। वो क्या क्या थे सरप्राइजेज में, द ब्लैक रेड टिप्ड फीदर, द टू पेल ब्लू हाफ्स ऑफ थ्रस ब्रोकन नेक एंड द स्मूथ हार्ड क्रिस्टल पीबल। वह सरप्राइज क्या था, एक रेड टिप्ड फीदर था, लाल टिप्ड वाला पंख, दो नीला पीला आधा अंडा जो कि थ्रस पक्षी का था, और तीसरा सरप्राइज था एक कठोर चिकना पत्थर। तो हमने इस कहानी में देखा कि बच्चा कैसे छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा कर अपनी माँ को प्रसन्न करता है, खुश करता है, बदले में उसकी माँ भी सरप्राइज केक देती है। तो इस प्रकार जो स्टोरी हमारा था द थ्री सरप्राइजेज, वो यहाँ पर एंड होता है। अब सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस स्टोरी के दोनों पार्ट को, पार्ट वन और पार्ट टू को एक साथ एक बार जरूर देखें, ताकि आपका स्टोरी पूरी समझ में आसानी से आ सके। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।